चंडाल भाटा ट्रांसपोर्ट नगर में नक्शों की स्वीकृति पर पाबंदी लगी है, उसके बावजूद धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे हैं और जोन अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचकर मांग की है कि मामले की जांच कराकर सख्त कार्यवाही की जाए। नगर निगम की साप्ताहिक जनसुनवाई में सप्ताह को लेकर 30 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा और स्वच्छता विभाग से संबंधित रहीं। चंडाल भाटा ट्रांसपोर्ट नगर से आए कुछ लोगों ने शिकायत की कि अवैध निर्माण हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अभी तक नगर निगम ने टोटल बैन लगाया था, नक्शे किसी के सैंक्शन नहीं किए थे, उसके बाद भी वहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है। और जबकि छोटे छोटे प्लॉट हैं, 1500, 1200, 1400 के प्लॉट हैं, लेकिन टोटल 7000 स्क्वायर फुट के प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन चालू है चारों ओर से, जिस पे नक्शा सेंक्शन है ही नहीं, अनुमति ही नहीं है। कमीशन साहब ने टोटल नक्शे बंद किए हुए हैं, उसके बाद वहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है, उस जिस पे जोन अधिकारी महोदय से शिकायत की गई थी, उसके बाद भी उस कार्रवाई को रोका नहीं गया। आज नगर निगम कमीशन साहब से निवेदन करने आए थे कि उस कार्रवाई को तत्काल रोका जाए। वहीं रांझी सुदर्शन वार्ड से आए एक बुजुर्ग ने बताया कि नल में पानी नहीं आता है, लेकिन अधिकारी शिकायत तक सुनने तैयार नहीं हैं। गढ़ा से आए बुजुर्ग ने बताया कि नामांतरण के लिए उन्हें भटकाया जा रहा है। और दीक्षितपुरा से आए बुजुर्ग ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लोन नहीं मिल रहा है, मकान गिरने वाला है, मरम्मत तक नहीं हो पा रही है। तो हमारी परेशानी ये है कि हमारे पिताश्री का जो मकान नंबर है, मकान है वो हम 3 लोगों में नामांतरण चाहते हैं, वो अभी हमारे पिताजी के नाम पर चल रहा है। और हम चाहते हैं कि हम 3 लोग, क्योंकि अब सभी अलग अलग टैक्स देना चाहते हैं। पहले तो टैक्स हमारे बेटे ने दिया, मतलब भतीजे ने, एक भाई ने दिया, और हम तो रहते हैं बॉम्बे में। हम बॉम्बे में जाने के पहले हमने ये आयुक्त महोदय को एक एप्लीकेशन दिया और आज तक हमको कोई जवाब नहीं मिला। हम चाहते हैं हमारे मकान का नामांतरण हो जाए, हमारा पुश्तैनी जमीन है वो। ये शिकायत है कि मुझे चंदाबाई लोधी की जो है ना पेंशन रुक रुक के आ रही थी, जनवरी फरवरी मार्च महीने अप्रैल में 1 महीना में कर पाए तो रुक गई, तो वो कागज हमने जमा किए। कितने से परेशान हो रहे? 3 महीने से। एक समय सब मकान का सर पैसा हम दे के आए प्रधानमंत्री कार्यालय में, 2.5 लाख रुपये आवेदन 2 साल से किया, मतलब अभी भी नहीं दिया पैसा सर। मकान गिर रहा हमारा नेवाड़गंज में। जल ही जीवन है, जल के बगैर मर रहा है, बस यही बात शिकायत हुई। और ये आवेदन है आज 8 मई से शुरू है ये आवेदन क्रम से। विकलांगों में हूँ, ये देखो यहाँ पट्टा लगा है, ये देखो यहाँ पट्टा लगा है, कमर में भी, चलने में असमर्थ हूँ, विवश होकर चलता हूँ। ये आया किस लिए कि चोरी में बच्चों के भाग क्या है, आवेदन फर्स्ट जो दिया तो उसको क्या किया है? उनका मानना है कि कुछ नहीं होने वाला है, आज मैं धक्का खा रहा हूँ कि कुछ नहीं होने वाला है, नहीं हो रहा है। पानी के लिए अब बताइए, 4 इंची की पाइप लाइन है, 4 इंची की पाइप लाइन में आप 10,000 कनेक्शन अथराइज वाले, इसके बाद 10 का 20 तो नहीं तो 15 तो हो ही जाए, हाई गए हैं इस गर्मी में। अब किस तरीके से पानी संभव है कि हम पानी आपको मिलेगा? कौन से का? ये सुदर्शन बाड़ रांझी का। जी हाँ। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए निगम आयुक्त स्वप्निल वानखड़े ने उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है।